अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक हकीकी हीरो क्रिस्टी पीटर को, जो कि एक पाकिस्तानी शहीद हैं, खसूसी खराज तहसीन पेश करेंगे, जिनकी गैर मुतजलजल हिम्मत और कुर्बानी ने तारीख के सफ़ात पर अनमिट नकूश छोड़ दिए। इस वीडियो में हम क्रिस्टी पीटर की ज़िंदगी और गैर मामूली सफ़र का जायज़ा लेंगे, जो इत्तेहाद की एक ऐसी मिसाल है जो मजहबी हदूद से बालातर है। सबसे पहले शहीद क्रिस्टी पीटर की तालीम पे बात करते हैं। क्रिस्टी 1937 में कराची, उस वक्त के बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुए। वो मौला बख्श क्रिस्टी के बेटे थे, जो फिजाइया में आग बुझाने वाले लड़ाका थे और जिनका ताल्लुक मुल्तान से था। क्रिस्टी ने इब्तदाई तौर पर अपनी सेकेंडरी स्कूल की तालीम सेंट पैट्रिक हाई स्कूल कराची से मुकम्मल की और नहायत अच्छे नंबरों के साथ 10वीं पास की। क्रिस्टी के उसातजा के मुताबिक वो एक बहुत जहीन तालबेलम थे, जिन्होंने हमेशा खेलों में भी बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इसके अलावा वो अपने मजाक की गहरी हिस्स के लिए भी जाने जाते थे। करते हैं क्रिस्टी के पाक फिजाइया तर्ज ज़िंदगी की। क्रिस्टी ने 1955 में पाकिस्तान फिजाइया जामिया PAF में दाखिला लिया और 1958 में एक बुनियादी फ्लाइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम से ग्रेजुएशन किया। उसी साल उन्हें शोरकोट के कमांडर्स और कॉम्बैट फ्लाइट स्कूल भेज दिया गया। उन्होंने वहां से फिजाई हथियारात के निज़ाम में महारत हासिल की और पाक फिजाइया में कमीशन हासिल किया। क्रिस्टी ने अपने कैरियर का आगाज़ 1962 में फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर किया। 1964 में क्रिस्टी को तरक्की देकर फ्लाइट लेफ्टिनेंट बना दिया गया। क्रिस्टी ने 57 कैम्ब्रा जहाज रान तियाराबाज के तौर पर खिदमात अंजाम दी और 1965 की जंग में कई कामयाब ऑपरेशनल मिशन उड़ाए। उनकी बहादुरी और खिदमात के जज्बे को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने 1965 में एक अवामी तकरीब में तमगा जुर्रत से नवाजा। 1968 में उन्हें पाक फिजाइया में स्क्वाड्रन लीडर के अहदे पर तरक्की दे दी गई। इसके बाद क्रिस्टी ने अपनी फाल खिदमात बंद कर दी और पाकिस्तान बैनुल अक्वामी हवाई लाइंस PIA में काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान 1971 में पाक भारत जंग छिड़ गई और 1971 की पाक भारत जंग के वक्त वो बिरूने मुल्क PIA में काम कर रहे थे, लेकिन क्रिस्टी ने दिसंबर 1971 में पाक फिजाइया के साथ जंगी खिदमात के लिए रजाकराना तौर पर दोबारा राबता किया और वो पाक फिजाइया में शामिल हो गए। इसके बाद क्रिस्टी को बमबार ऑपरेशंस के लिए मुंतखब कर लिया गया। बाद 4 दिसंबर 1971 को शाम 4 बजे पाक फिजाइया बेस फैसल से उन्हें जामनगर में वाकया भारतीय फिजाइया के खसूसी फिजाई अड्डे को तबाह करने की मुहिम सौंपी गई। क्रिस्टी ने अपने कमांडरों के साथ मुसलसल ब्रीफिंग सेशन में शिरकत के बाद बतौर हथियाराती निज़ाम के अफसर और जहाजरान विंग कमांडर स्टीफन इसराइल के साथ मिलकर मुहिम की तैयारी की। मुहिम का कोड नाम डू और डाई DOD था। 6 दिसंबर 1971 को क्रिस्टी को बतौर जहाजरान जामनगर में बमबारी की मुहिम सौंपी गई। ये मुहिम कामयाबी के साथ मुकम्मल हुई और हिंदुस्तानी फिजाइया का फिजाई अड्डा तबाह हो गया। उनकी वापसी के दौरान जहाज को मार गिराया गया और ख्याल किया गया कि पीटर क्रिस्टी को हिंदुस्तानियों ने पकड़ लिया। क्रिस्टी अड्डे पर वापस आने में नाकाम रहे। शहीद पीटर की गुमशुदगी और बाद के हालात, ये कयास किया गया था कि उनके तैयारे को एक हिंदुस्तानी सतह से फिजा में मार गिराने वाले मिसाइल ने मार गिराया था और वो पकड़े गए थे। ताहम जंग के बाद भारत ने 6 दिसंबर को ऐसे तैयारे को मार गिराने की तरदीद की और कहा कि वो पायलट को तलाश करने में नाकाम रहे। 8 दिसंबर को उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई में लापता करार दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें बाद अज मर्ग तीसरे आला तरीन फौजी एजाज़ सितारा जुर्रत से नवाजा। 6 सितंबर 2006 को आज़ाद तजर्बाकार बी हैरी ने हिंदुस्तानी फिजाइया लड़ाई पाकिस्तान हिंदुस्तान फिजाई लड़ाई 1971 के नाम से एक जंगी मुतालियाती रिपोर्ट शाया की,
जिसमें उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान वापस आते हुए हिंदुस्तानी फिजाइया के तैयारा शिकन तोपखाने ने क्रिस्टी के तैयारे को मार गिराया था और वो पकड़े जाने से पहले ही शहीद हो गए थे। ताहम हिंदुस्तान की वजारत खारजा ने इस पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। 6 सितंबर 2004 को स्क्वाड्रन लीडर पीटर क्रिस्टी को पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी ने ISPR के जेरे तमाम एक तकरीब में एजाज से नवाजा। शहीद क्रिस्टी पीटर की कहानी हमें उनकी इस कुर्बानी की याद दिलाती है कि मुसीबत के वक्त मोहब्बत और इत्तेहाद नफरत पर फतह हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो इख्तिताम पज़ीर होती है। अगर हमारी दीगर वीडियोस की तरह आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।